नमस्ते, मैं हूं प्रदीप शुक्ला। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइंस के सेगमेंट में, SSSC के साइंस हम पढ़ रहे हैं और साइंस के सेगमेंट में आज हम बात करेंगे विटामिन्स के। विटामिन्स वो ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं कि जो इंसान के शरीर में बनते नहीं हैं, उन्हें अलग से भोज्य पदार्थों में लेना पड़ता है, सिवाय दो विटामिन के, विटामिन डी और के हमारे शरीर में खुद सिंथेसाइज होते हैं। और सारी विटामिन्स हमारे शरीर में बनती नहीं हैं, अपितु हमें उन्हें भोज्य पदार्थों में अलग से लेना पड़ता है। विटामिन्स की खोज सबसे पहले 1911 में सीफंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। हालांकि उस समय जब उन्होंने विटामिन्स की खोज की, उस समय विटामिन्स के रासायनिक फार्मूलों की डिस्कवरी नहीं हो सकी थी, इसलिए उसके रासायनिक नाम नहीं रखे गए थे और विटामिन्स के नाम अल्फ़ाबेट के नाम के ऊपर ही रख दिए गए, जैसे किसी को ABCDE और K, ये विटामिन के नाम अल्फ़ाबेट के नाम पर ही रख दिए गए। बाद में जब इसकी स्टडी की गई तो पता चला कुछ विटामिन ऐसे थे जो पानी में घुल जाते थे विलेयता के आधार पर, और कुछ विटामिन ऐसे थे जो पानी में घुलते नहीं थे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, दो विटामिन ऐसे थे जो जल में विलेय थे, पानी में घुल जाते थे, जबकि विटामिन ए डी ई और के एडेक विटामिन पानी में घुलते नहीं थे, ये फैट में घुलते थे, वसा में घुलते थे, जबकि और विटामिन किस में घुल जाते थे, पानी में घुल जाते थे, बी कॉम्प्लेक्स और सी। बाद में पता चला कि जो दो विटामिन बॉडी में बनती हैं, जैसे विटामिन डी शरीर की स्किन की लेयर में सूरज की रोशनी में सिंथेसाइज होती है, चमड़े में सूरज की रोशनी में सिंथेसाइज होती है विटामिन डी। यहाँ पे हमने कुछ विटामिनों के नाम लिखे हैं जिनके रासायनिक नाम अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, छोटे एग्जाम में, बड़े एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। उनके प्राकृतिक स्रोत पूछ लिए जाते हैं, कहाँ से कौन सा भोज्य पदार्थ खाने से विटामिन मिलते हैं। तीनों एक चार्ट के रूप में बताया गया है, आप एक बार देख लीजिए, समराइज किया गया है, पढ़ लीजिए, आपको बेनिफिट होने की पूरी संभावना है। विटामिन और उनके रासायनिक नाम तथा स्रोत। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का नाम जो रासायनिक नाम है वो नाम क्या है, रेटिनॉल। इससे जो रोग होता है उस रोग का नाम है क्या, रतौंधी नामक रोग विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए हमको मिलते कहाँ है, हरी पत्तेदार सब्जियों में, ताजे फलों में या पीले पके फलों में। जैसे एक क्वेश्चन इस समय ट्रेंड में है कि आम में कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो पके हुए आम में विटामिन ए पाया जाता है। पीले फलों में, दूध में, मछली के यकृत में ए विटामिन पाए जाते हैं, कॉड लिवर ऑयल में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए की गोली आती है जिसको दिन डूबने के बाद प्रॉब्लम होती है, वो विटामिन ए की गोली लेते हैं, डॉक्टर उन्हें प्रेस्क्राइब करते हैं और खाते हैं। आगे बात करते हैं विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं। एक क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए, विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि विटामिन बी सिंगल नहीं है, विटामिन बी में बहुत से विटामिनों का समूह है, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B7, विटामिन B12, तो ये विटामिनों का एक समूह है, चूँकि समूह है इसलिए इसे हम क्या कह देते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले बात करते हैं विटामिन B1 की, बेरीबेरी, जिससे एक रोग हो जाता है उसका नाम क्या है, बेरीबेरी, और जिसका रासायनिक नाम विटामिन B1 का क्या है, थायमिन। रोग कौन सा होता है, बेरीबेरी। इनके स्रोत क्या है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सबके स्रोत क्या है, बिना धुली दाल, धुली ना जाए, जो दाल होती है उन्हें धुला ना जाए, मूंगफली के दाने, दूध, अंडा, सूखी मिर्च, खमीर, टमाटर इत्यादि, दूध, अंडा, मछली, ये सब किसके स्रोत हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, सब में ये कॉमन है, ये चीज़ें सब में यहाँ तक क्या है, कॉमन है, ये सब में पाई जाती है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो एक को याद करिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कोई ना कोई मिल जाए। वैसे ज़्यादातर स्रोत के जो क्वेश्चन आते हैं वो विटामिन सी या विटामिन ए या विटामिन के पूछे जाते हैं।
विटामिन बी टू का नाम राइबोफ्लेविन, जिससे रोग जो होता है उसको किलोसिस कहते हैं। विटामिन बी थ्री का नाम नियासिन है, जिससे मंद बुद्धि हो जाते हैं, बच्चों का दिमाग हल्का हो जाता है, मंद बुद्धि हो जाते हैं, और बालों का झड़ना भी इसी विटामिन की वजह से होता है। विटामिन बी फाइव को पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। विटामिन बी सिक्स जिसकी वजह से विटामिन बी फाइव की वजह से पेलाग्रा यानी त्वचा दाग हो जाती है, जिसमें खुजली होती है त्वचा में। विटामिन बी सिक्स पायरीडॉक्सिन, जिससे अनीमिया नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी सेवन ए यूपीपी पुलिस 2018 में पूछा गया है, यूपीपी पुलिस 2018 में विटामिन बी सेवन पूछा गया, जिसका नाम क्या है, बायोटीन पूछा गया था, कि इसके रासायनिक नाम बताइए, रासायनिक नाम क्या है, बायोटीन, जिससे रोग कौन सा हो जाता है, लकवा हो जाता है, शरीर में ब्लड की सप्लाई रुक जाती है और शरीर का अंग काम करना बंद कर देता है। विटामिन बी ट्वेल्व जिसका नाम क्या है, साइनोकोबालामिन, और इससे रोग कौन सा होता है, रक्त की कमी हो जाती है शरीर में, इसी को पूछा जाता है, कोबाल्ट किस में पाया जाता है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो है विटामिन बी ट्वेल्व। कोबाल्ट किस में पाया जाता है, विटामिन बी ट्वेल्व में। विटामिन सी का नाम है एस्कार्बिक एसिड, जिससे रोग हो जाता है स्कर्वी। इसके स्रोत क्या है, सिट्रस फ्रूट, जितने भी खट्टे फल होते हैं वो विटामिन सी के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। सिट्रस फ्रूट में आप एसिड वाला वीडियो पे देखें तो उसमें बताया, सिट्रिक एसिड जिसमें पाया जाता है, जैसे नींबू है, संतरा, टमाटर, खट्टे फल, अंकुरित अनाज। विटामिन डी कैल्सीफेराल, जिससे रोग क्या हो जाता है, रिकेट्स, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, ऐसे रोग को क्या कहते हैं, रिकेट्स। विटामिन डी का नाम पूछा जाता है कैल्सीफेराल, इसमें कैल्शियम पाया जाता है। मछली यकृत तेल या दूध या अंडा इसका प्रमुख स्रोत है, इसकी कमी से जो रोग होता है उस रोग का नाम क्या है, रिकेट्स। विटामिन ई टोकोफेराल, जिसकी वजह से नपुंसकता हो जाती है, यानी ना महिलाएं और पुरुष में बच्चे पैदा करने की क्षमता खत्म हो जाती है, इसका मुख्य स्रोत कौन सा है, मक्खन, अंकुरित गेहूं और वनस्पति तेल। ये पूछा गया है अंकुरित गेहूं में कौन सी विटामिन पाई जाती है, विटामिन ई। विटामिन के फेलोक्विनोन, रक्त का थक्का जमना, हरी सब्जियां और टमाटर में पाए जाते हैं, रक्त का थक्का ना जमना। और अक्सर आपका रक्त अगर कभी चोट लग जाती है तो आपका ब्लड 1-2 मिनट से 3 मिनट तक जाते जाते रुक जाता है, लेकिन अगर विटामिन के की कमी है तो आपके शरीर में प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा और ब्लड का थक्का नहीं जमेगा, तो आपका ब्लड बेहतर रहता है। ये कहाँ से मिलते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियों से और टमाटर से, विटामिन के प्रबल स्रोत माने जाते हैं। तो ये कुछ वीडियो है जिसमें आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है रासायनिक नाम, जैसे विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी वन थायमिन, विटामिन बी टू राइबोफ्लेविन, विटामिन बी थ्री नियासिन, विटामिन बी फाइव पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन बी सिक्स पायरीडॉक्सिन, विटामिन बी सेवन बायोटीन, विटामिन बी ट्वेल्व साइनोकोबालामिन, विटामिन बी सी सात एस्कार्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेराल और विटामिन ई टोकोफेराल, विटामिन के फिलोक्विनोन, विटामिन बी बी और सी जल में विलयनशील घुलनशील हैं, विटामिन ए डी ई के किस में घुलनशील हैं, वसा में घुलनशील है। विटामिन की खोज फंक ने किया था और विटामिन डी और के हमारे शरीर में सिंथेसाइज होते हैं, इनके लिए विटामिन डी और सी हमारे शरीर में सिंथेसाइज होते हैं, जबकि और सभी विटामिनों के लिए हमें उस विटामिन युक्त भोजन करना अनिवार्य होता है। देख लीजिए, नमस्कार।